हेलो जीनियस पीपल, वेलकम बैक टू एमएससी। तो कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि आप आपको ना लगता हो। ये मेरे हिसाब से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है म्यूजिक का, और आप सबको इसमें डाउट था। और ये क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई राग्स, रागों को कैसे पहचाने हम। तो यार, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। जो पहला तरीका है वो है कि आपको हर राग के, जो आपके पास राग परिचय को दिए हुए हैं, हर राग के आपको आरोह, अवरोह और पकड़, ये तीन चीजें याद करनी पड़ेगी। आपको ये मिल जाएगा आपके सारी बुक्स में या नोट्स में जो आपके आपके पास हैं। अगर नहीं है तो आज रात को हमारे जो इस वीडियो के नीचे लिंक दी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आज रात को अपलोड कर दूंगा मैं सारी चीजें। आरोह, अवरोह, पकड़, हर एक राग की आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। जैसे हमें दिया हुआ है रे गा धा धा मा, तो हमें उसके अंदर जो पकड़ है और जो अरोह अवरोह है किसी भी राग के, हमें सब कुछ हमारे मन में ध्यान में लेके आने पड़ेंगे, रिकॉल करने पड़ेंगे उस टाइम पे, और उससे हम पता चले कौन सा ये हमारा राग की पकड़ है, उसे हम पहचान लेंगे ये राग है। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमें लिखना है कि ये राग है, और उस राग के हमने नोटेशन या फिर स्वरलिपि लिख देनी है हमने, किसी में भी तीन ख्याल, द्रुत ख्याल, किसी में लिख देनी है, और 30 स्वर तक लिखने हमने हैं। तो ये था पहला तरीका करने का इस क्वेश्चन को। और अगर आपको ये तरीका ना पसंद आए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, आरोह, अवरोह और पकड़, आपको तीनों जो चीजें हैं हमको हर राग की याद करनी पड़ेगी, अगर आपसे याद ना हो तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। तो दूसरा तरीका वो काफी सिंपल है, और वो दूसरा तरीका है कि आपको हर राग के वादी, समाधी और जो तीसरा है वो है वर्जित स्वर और जो कोमल स्वर है वो याद करने पड़ेंगे। और इसी के बेस पे ही हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा राग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके एग्जाम में जो लाइन लिखी हो, जो स्वर लिखे हो, उसके अंदर आकर अगर आपके रे और ध कोमल है, उसका मतलब वो राग है राग भैरव। अगर रे और ध कोमल है तो उसका मतलब है उसका रे ध कोमल मतलब उसके नीचे लाइन बजी होगी, यानी कि रे ध इसको कोमल गाना है, इसका मतलब यह है राग भैरव। उसके बाद हम राग भैरव के नोटेशन लिख देंगे। और अगर आपके जो आपके आपको स्वर दिए हुए हैं, अगर उसके अंदर ग और नी कोमल है, उसका मतलब वो है राग बागेश्वरी या राग भीमपलासी। जो इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक इंस्ट्रूमेंटल स्टूडेंट है वो राग भीमपलासी लिखेंगे, जो वोकल स्टूडेंट म्यूजिक है वो लिखेंगे राग बागेश्वरी, अगर ग और नी कोमल है तो। उसके बाद अगर आपके ग ध नी तीन चीजें कोमल है, उसका मतलब वो आपका है वो राग मालकौंस। राग मालकौंस तभी आता है जब ग ध नी तीनों चीजें कोमल हो। तो ये था एक तरीका याद करने का। बाकी अगर जो भी बाकी राग है उन्हें भी आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है, उनके वर्जित स्वर, वादी स्वर, समाधि स्वर और साथ में से कोमल स्वरों से कि ये कौन सा राग है, ऐसे आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे जो मैंने यूज किए थे राग आइडेंटिफाई करने के लिए, जो आप भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, ये हमारी इस साल की म्यूजिक की लास्ट वीडियो है, और अगले साल तो बनाएंगे हम आपके जूनियर बैच के लिए। तो गाइस, मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे हम टारगेट रखें कम से कम 10,000 व्यूज और 300 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, 300 लाइक्स। तो कर दो यार इस पे 300 लाइक और दिखा दो हमारे बैच में कितना दम है। तो गाइस, आपको मैं अब शुरू करने वाला हूँ आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस भी। इंग्लिश में आपको डाउट है तो इंग्लिश वीडियो शुरू करने वाला हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं शुरू करूंगा बिजनेस स्टडीज की वीडियोस, और ये आपके एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा मैं। तो गाइस, म्यूजिक की ये तो लास्ट वीडियो है, पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, और आप हमें इंस्टाग्राम @IAMSumrit पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे जब तक आप एग्जाम होते हैं। और ये जरूर याद रखिएगा कि पेपर देने के बाद आप हमें अपना पेपर एक बार जरूर भेज दीजिए, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे उसके आंसर्स लाइव जाके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस, एंड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी। बाय।